आज आपको बताऊंगा जो नोटिफिकेशन यूजीसी का आया कि कैसे अपनी फीस इनके मुंह में हाथ देकर वापस आप निकाल पाएंगे। जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका पैसा भी ये लोग खा जाते हैं, बट ऐसा अब ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन दिया है, जाकर सीधा जाकर उनके टेबल पे रख देना जो मना करे कि नहीं हम आपकी फीस वापस नहीं करेंगे। दोस्तों फी रिफंड पॉलिसी देखा जाए तो यूजीसी द्वारा 2018 में भी कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, बट उसका ज्यादातर यूनिवर्सिटी, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं या फिर कॉलेजेस तो चलते हैं, उन्होंने उसका पालन ही नहीं किया, मतलब कि रद्दी के ढेर में उठाकर डाल दिया। जैसा मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि दोस्तों जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ ठग विद्या का इस्तेमाल करती हैं, मतलब कि ठगों की तरह वो काम करते हैं, आपका पैसा लूट लेते हैं और हर साल लाखों करोड़ों रुपए ये प्राइवेट जो कुछ यूनिवर्सिटीज जो ठगों की तरह एडमिशन लेते हैं वो इसी बात से पैसा ले लेते हैं कि स्टूडेंट के एडमिशन लिए, स्टूडेंट ने एडमिशन कैंसिल भी करा लिया बट उसको एक रुपया तक वापस नहीं किया। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अक्सर कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस में जाकर भी कि ये यूनिवर्सिटी या फिर ये कॉलेज हमें हमारी फीस रिफंड नहीं कर रही है, हालांकि हमने अपना एडमिशन कैंसिलेशन में डाल दिया है फिर भी यूनिवर्सिटी हमारी फीस वापस कर नहीं रही है। पर अब ये यूनिवर्सिटीज, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं और आपको अपने अधिकार पता है और आप सीधा जाकर यूजीसी को कंप्लेंट करें तो इन पर एक्शन होगा। कैसे आप करेंगे कंप्लेंट, यूजीसी के उस पोर्टल पे बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, पर मैं आज आपको बताऊंगा जो नोटिफिकेशन यूजीसी का आया कि कैसे अपनी फीस इनके मुंह में हाथ देकर वापस आप निकाल पाएंगे, इन यूनिवर्सिटीज को इन ठगों से कैसे अपने पैसे वापस ले पाएंगे, उसके बारे में आज ये वीडियो है। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई और अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बोलते भी हैं कि आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, पर कई बार आप उन्हें लाइटली ले जाते हैं। हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटीज के बारे में अच्छे से पहले आप रिसर्च कर ले, जांच पड़ताल कर ले, तभी इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब आप दोस्तों कैसे पता लगाएंगे क्या नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो आप लॉगिन कर लीजिए www.ugc.gov.in। जैसे ही आपने ये इंटरफेस खोला, जैसे ही आपके सिस्टम पर इंटरफेस सामने खुल जाता है या फोन में खुल जाता है, तो आप सबसे नीचे आ जाइए। यहां पर लिखा हुआ है नोटिस हेल्पलाइन नंबर @UGC, आप यहां पर देख रहे होंगे, और यहीं पर साथ में ऊपर लिखा हुआ है नोटिस के बारे में। नोटिस में आप जब जाएंगे यहां पर तो नोटिस में ही रिफंड पॉलिसी के बारे में नोटिफिकेशन दोस्तों मेंशन है। यहां पर दोस्तों आप नोटिस में जाकर देखेंगे तो यहां पर इस नोटिस की बात 3 जुलाई 2023 में ये नोटिस अभी सामने आया है, जिसमें ये बात की जा रही है कि यूजीसी का जो लेटर है रिगार्डिंग फी रिफंड पॉलिसी वो क्या कहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2018 में भी आया था नोटिफिकेशन। अब दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आपको उस नोटिफिकेशन पर जो नोटिफिकेशन सामने ये आया है। दोस्तों क्या बोलता है ये? इसमें हालांकि 5 स्लैब बना दिए गए हैं कि कैसे आप अपनी फीस रिफंड लेंगे, बट ये 5 स्लैब जो बनाए गए हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें 100% फी कब वापस मिलेगी, 90% कब मिलेगी, 80% फीस कब मिलेगी, 50% फीस कब मिलेगी, अब यहां पर एक गेम खेलेंगे ये ठग लोग आपके साथ में। ये क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपने जाकर अपनी फीस जमा की 20,000 रुपए, उस कोर्स की फीस थी 1,00,000 रुपए, तो ये ऐसा बोल सकते हैं आपको कि हम जो फीस डिडक्शन करेंगे उस टोटल फीस का, मान लीजिए 1,00,000 का अगर वो 10% काटते हैं तो कितना होता है 10,000 रुपए, पर जो आपने 20,000 जो फीस दी है उसका 10% कटना चाहिए, ना कि पूरी फीस का। अब यहां पर तो ये बात भी की गई है कि यहां पर अगर आप अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर तक अगर आपने एडमिशन कोई भी अपना कैंसिल करवाया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ये यूनिवर्सिटीज होंगी 1,000 रुपए काट सकते हैं आपके, उससे ज्यादा ये पैसे नहीं काट सकते आपके। 1,000 इनको छूट है कि 1,000 रुपए आप लोग रख लो, क्योंकि ये लोग चोर हैं। बहुत सारी बेकार घटिया यूनिवर्सिटीज हैं जो ये मोनोपोली चलाती हैं,
मतलब इस तरह से स्टूडेंट से बात करती है जैसे कि स्टूडेंट ने एडमिशन लेकर बहुत बड़ा कोई पाप कर लिया यूनिवर्सिटीज में। क्योंकि आप लोग हमें जब मैसेज करते हो या कमेंट करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका पैसा भी ये लोग खा जाते हैं, बट ऐसा अब ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन दिया है जाकर सीधा जाकर उनके टेबल पे रख देना, जो मना करे कि नहीं हम अपनी फीस वापस नहीं करेंगे। यही जो नोटिफिकेशन आया है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डाल दूंगा, पीडीएफ का सीधा प्रिंट आउट निकालना और जाकर टेबल पे रख देना जहां पर वो एडमिशन इंचार्ज बैठा होता है जिसको बात तक करने की तमीज नहीं होती। यहाँ पर मेंशन है सब चीजें, मान लीजिए कि 31 अक्टूबर तक आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया तो ₹1,000 सिर्फ आपका कटेगा, बाकी फीस वापस कर दी जाएगी। अब बात आती है जो 5 स्लैब्स बनाए गए हैं, 5 स्लैब्स क्या कहते हैं आप उसके बारे में भी समझ लीजिए। ये बोलते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिस्ड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। मतलब कि इन्होंने एक 15 दिन का नोटिस दिया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर एडमिशन जो ले रहे हैं वही लेंगे, उसके बाद लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। क्यों, उसके अनुसार अगर आप हिंदी को ट्रांसलेट कर देखेंगे इसमें लिखा हुआ है प्रवेश की औपचारिक रूप से, मतलब कि जो प्रवेश होता है एडमिशन होता है उसका जो औपचारिक रूप से जो अधिसूचित अंतिम तिथि बनेगी 15 दिन के पहले, उसमें अगर आप जा कैंसिल करवाते हैं तो आपको 100% फीस वापस कर दी जाएगी। और या फिर लेस देन 15 डेज, अगर 15 दिन से कम का समय रहा द फॉर्मली नोटिस्ड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पर आपको 90% फीस आपकी वापस की जाएगी, 10% ये लोग काट सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 80% ये लोग दोस्तों आपकी फीस कब काट सकते हैं, जो आपने इनको फीस दी है उसमें लिखा है 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिस द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब कि प्रवेश की अंतिम तिथि औपचारिक रूप से अधिसूचित होने के बाद, मतलब कि जो डेट थी लास्ट डेट उसके बाद भी 15 दिन या उससे कम के समय आपके पास था और उसमें आपने जाकर नोटिफाई कर दिया कि हमें एडमिशन आपकी इस यूनिवर्सिटी में नहीं लेना है, तो वो आपकी 80% फीस वापस करेंगे। 70% कब करेंगे, एडमिशन की लास्ट डेट निकल गई, 15 से और 30 दिन के बीच में आप जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो भी आपको 70% फीस वापस मिल जाएगी। पर यहाँ पर एक अधिकार और दिया इन लोगों को, अब आपकी फीस कोई भी रिफंड कब नहीं कर सकती ये यूनिवर्सिटीज, वो भी आप समझ लें। जैसे कि मोर देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब लास्ट डेट जो एडमिशन थी वो बता दी, उसके बाद भी 30 डेज से ज्यादा हो गए, आपने एडमिशन अब तक कैंसिल नहीं कराया, बाद में आप जाते हैं, मतलब आप जाएंगे फरवरी में, जनवरी, मार्च में जाते हैं, एडमिशन हो गया 23 में और 24 में एग्जाम होने वाले हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं जिसके दिसंबर जनवरी में, तो ऑब्वियसली बात है ये अगर एग्जाम टाइम पे है तो आपकी फीस वापस करेंगे नहीं, जो जितनी आपने फीस इन लोगों को दी है, तो यहाँ पर ये फीस आपको वापस नहीं करेंगे। दोस्तों जितने भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं या कॉलेजेस चलती हैं, ना ही तो कोई आपकी पूरी फीस रख सकता है और ना ही कोई भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर ऐसा करती हैं ये यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, इनकी आप कंप्लेंट करें UGC को। कंप्लेंट कैसे करेंगे, जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा ये बहुत जल्दी, हाउ टू कंप्लेंट टू UGC, मैं ऐसी एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो को आप देखना जरूर, आपको बता दूंगा आप कंप्लेंट कैसे करें किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में। और जो मैंने आज आपको बताया इस नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल में, आप अगर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या जानना चाहते हो और डिटेल में, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। पर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज अब बदमाशी करे, सीधा उसके हाथ में जाकर नोटिफिकेशन देना, हालांकि ये बदमाश लोग आपकी इस बात को मानेंगे नहीं, और नहीं अगर मानते हैं तो एप्लीकेशन लिखकर दो उन लोगों को कि हमारी फीस रिफंड की जाए, और उनसे साइन करवा लो कि हम आपकी फी रिफंड नहीं करेंगे, और कंप्लेंट कर दो सीधा UGC को, आपकी फीस बिल्कुल आपको वापस मिलेगी, कोई आपकी फीस को रख नहीं सकता। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक पहुंचाएं, ताकि किसी की भी फीस, मतलब कि कोई हार्ड अर्न्ड मनी ये चोर लोग ऐसे रख ना पाए। मैं चोर इसलिए बोल रहा हूं इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, काफी सारी जो बेकार यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि ये ऐसा करते हैं, ये आपकी
हार्ड अर्न मनी को आपसे ले लेते हैं चीटिंग के जरिए। चीटिंग है दोस्तों ये, कोई चीटिंग आपके साथ कर रहा है, ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोग कंप्लेंट आपको करनी चाहिए और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता भी होना चाहिए।